नमस्कार, मुझे हमेशा के साथ आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। फतेहवाड़ी क्षेत्र में सलमान मिर्जा के रूप में पहचाने जाने वाले 25 वर्षीय युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ सेक्स के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने गुप्तांगों को चिपकाने वाले पदार्थ से सील कर दिया। मिर्जा और उनकी प्रेमिका, जो उनकी पूर्व मंगेतर रह चुकी थी, दोनों ने ड्रग्स का सेवन किया, फिर यौन गतिविधियों में शामिल होने का फैसला लिया। क्योंकि उनके पास कॉन्डम नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मंगेतर के प्राइवेट पार्ट चिपकाने वाला पदार्थ लगाने का फैसला लिया ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो सके। वे अपने साथ चिपकाने वाला पदार्थ हमेशा कैरी करते थे और कभी कभी किक के लिए मिश्रण को अंदर करने के लिए व्हाइटनर के साथ इसका इस्तेमाल भी करते थे। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अगले दिन मिर्जा अंबर टावर के पास बेहोशी की हालत में बरामद हुआ था। एक परिचित व्यक्ति ने उसे झाड़ियों में बेहोश पड़ा देखा और अपने घर ले आया। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 16 सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 25 जून को मृतक युवक की रिश्तेदार सायरा बानू मिर्जा ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद आकस्मिक मौत का मामला भी दर्ज किया गया और जाँच फौरन शुरू कर दी गई। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसा संदेह है कि गोंद के इस्तेमाल से युवक की सेहत खराब हो गई और परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। डीसीपी प्रेमसुख देलू ने बताया कि हम मृतक के विसरा नमूने की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिसे फॉरेंसिक जाँच के लिए अभी भेज दिया गया है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।